पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब से सत्ता में आए हैं तब से वहां फिजूल खर्ची रोकने और पाक की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी कड़ी में इमरान खान ने पाकिस्तान में भैंसों की नीलामी करके 23 लाख रुपए जुटा लिए हैं। इमरान ने ये रकम पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ द्वारा पीएम आवास में रखी 8 भैंसों की नीलामी करके जुटाई गई है। जैसे पैसे की कमी से जूझ रही पाकिस्तान की सरकार ने पिछले सप्ताह 61 लग्जरी कारें बेचकर करीब 20 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके अलावा पाक सरकार की योजना कुछ बुलेट प्रूफ कारों समेत 102 कारें बेचने तथा मंत्रिमंडल के इस्तेमाल किए हुए 4 हेलीकॉप्टर की नीलामी भी की जा रही है। भैंसों की नीलामी के बारे में पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा है कि इमरान सरकार को पीएम आवास की 3 भैंसों तथा 5 बछड़ों की इस्लामाबाद में हुई नीलामी से कुल 23 करोड़ 2 लाख रुपए मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार द्वारा नीलाम की गई इन भैंसों को पूर्व पीएम नवाज शरीफ के समर्थकों ने खरीदा। नवाज के एक समर्थक ने एक भैंस 3,85,000 रुपए में खरीदी है। नवाज शरीफ के समर्थक कालब अली ने भैंसों को खरीदने के बाद बताया कि भैंस की नीलामी की कीमत 1,20,000 रुपए थी, लेकिन उन्होंने नवाज के साथ भावनात्मक जुड़ाव के कारण 3 गुना बोली लगाकर खरीदी। भैंसों की खरीदी के बाद कालब अली ने कहा कि मैंने इस भैंस को नवाज शरीफ के प्रति अपने लगाव के कारण खरीदा है। मैं इसे नवाज शरीफ और बहन मरियम शरीफ के प्रतीक के तौर पर रखूंगा। Harder.